दिगरस शहर में कोविड-19 वैक्सीनेशन बेहद धीमी गति से जारी है। हाल ही में दिगरस दौरे पर आए उप विभागीय अधिकारी सावन कुमार ने समाज में वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की अपील की थी, जिसको प्रतिसाद देते हुए शनिवार को गौलीपुरा की मुस्लिम समाज बंधुओं ने वैक्सीनेशन की हर घर दस्तक मुहिम का स्वागत किया। शुक्रवार को दिगरस तहसील के दौरे पर आए उप विभागीय अधिकारी सावन कुमार ने दिगरस पहुंचकर नगर पालिका सभागृह में वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के विषय पर आयोजित वार्ता में पालिका तथा तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। दिगरस में कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक वापस से मीटिंग की है। अभी जो है दिगरस शहर का खास करके जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है वो अभी भी 50% भी नहीं हुआ है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, बाकी जो भी सिटीजन्स है, नगर सेवक है, सबसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करा के दिगरस को जल्दी से जल्द 100% वैक्सीनेशन हो, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़े। मुस्लिम समाज के लोगों में जो भी रूमर्स है या फिर जो भी बैकलैश है कि वैक्सीन के अगेंस्ट जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके अगेंस्ट भी मेरा ये बोलना है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे आ सकते हैं, वैक्सीनेशन लीजिए। नगर सेवक सब लोगों से अनुरोध है कि आप अपने एरिया में, अपने वार्ड में लोगों को प्रोत्साहित कीजिए वैक्सीनेशन के लिए। जिसके बाद दिगरस शहर के गौलीपुरा के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने आगे आते हुए वैक्सीनेशन की हर घर दस्तक मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान नगर पालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले और ग्रामीण अस्पताल के टीकाकरण केंद्र प्रमुख डॉक्टर नयन शेरे ने इन BCN को इस मुहिम की जानकारी दी। हाँ, दिग्रस मध्ये आतापर्यंत फक्त 40% वैक्सीनेशन झालं होतं। ते गवळीपुरा आणि बाकी परिसरामध्ये लोकांच्या मनामध्ये काही गैरसमज होते, तर आपल्याला या ठिकाणी इथले मस्जिदचे जे प्रमुख मौलाना साहेब आहेत, तसेच माजी नगराध्यक्ष आपले करीमभाई आहेत, सलीम ठेकेदार साहेब आहेत, यांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून लोकांचे गैरसमज या ठिकाणी दूर केले आणि आजपासून या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे। तरी माझं सर्व जनतेला आवाहन आहे की आपल्या मनातले सर्व गैरसमज दूर करून आपण 100% लसीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न करूया। माननीय पंतप्रधान यांच्या हर घर दस्तक या नुसार आपण गवळीपुरा या एरियामधून आज आपण करीम काका यांच्या घरापासून जी आपल्याला काल मोबाईल लसीकरण व्हॅन मिळालेली आहे त्याच्यामधून आपण घरपोच सेवा आपण प्रत्येक लसीकरण करण्यासाठी करत आहोत। त्यामुळे दिग्रसकर याच्यामध्ये जे लोक लसीकरणापासून वंचित राहिले असेल त्यांच्या घरोघरी जाऊन माननीय टाले साहेब यांच्यानुसार आपण घरोघरी जाऊन लसीकरण करणार आहोत, त्यामुळे या लसीकरणाचा फार फायदा सर्वांनी घ्यावा। मालूम हो कि खबर लिखने तक शनिवार शाम को गवलीपुरा में 200 लोगों ने वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। स्थानीय नागरिकों के इस प्रतिसाद पर पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले और ग्रामीण अस्पताल के टीकाकरण केंद्र प्रमुख डॉक्टर नयन शेरे ने खुशी का इजहार करते हुए गवलीपुरा के मुस्लिम समाज बंधुओं की पहल की तारीफ की। मालूम हो कि गवलीपुरा में इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए गवलीपुरा निवासी करीम ठेकेदार गारवे, सलीम ठेकेदार गारवे, मौलाना सादिक आदि ने विशेष सहयोग दिया। वहीं ग्रामीण अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर फैजान खान, आंबेकर सिस्टर प्रज्ञा भगत, नगर पालिका कर्मचारी इरफान खान आदि ने अहम योगदान दिया है। NBCN न्यूज़ के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।